मैं भी बाबा अकेला सीधे रहने चलती हूँ आपको आज के मुख्य समाचारों की ओर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोले का हुआ श्रृंगार, कोरोना की गाइडलाइन के बीच मनाई गुरु पूर्णिमा, कोरोना सेंटर से स्वस्थ होने पर 9 मरीजों को दी विदाई, कार पर गिरे पत्थर फिर भी बच गई सबकी जान, माउंट अहमदाबाद हाईवे बारिश से हुआ पानी पानी, श्रीगंज में लंबे अंतराल के बाद खुली दुकानें, पूर्व जिला अध्यक्ष पर FIR को बताया षड्यंत्र, चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान की मांग, शिक्षकों की समस्या समाधान बैठक संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोले का हुआ श्रृंगार, लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड में सावन में भक्तों ने अपने मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव के मंदिरों को सजाया। वहीं युवतियों ने सावन के पहले सोमवार को सुबह मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मनोकामना मांगी। कोरोना महामारी के बाद सभी धार्मिक स्थल बंद है, वहीं कुछ छोटे धार्मिक स्थलों पर पुजारी सहित भक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के अमरनाथ महादेव मंदिर, ऋषिकेश मंदिर, भद्रकाली मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर, अमरनाथ महादेव खारवाल मोहल्ला सहित अनेक स्थानों पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। वहीं शिवगंज से किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार जालौर सिरोही जिले में रविवार को गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने COVID-19 का पालन करते हुए अपने गुरुओं के चरणों में जाकर उन्हें पुष्प हार इत्यादि पहनाकर उनसे आशीर्वाद दिया। कोरोना की गाइडलाइन के बीच मनाई गुरु पूर्णिमा, भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व कोरोना महामारी के कारण नियमों का पालन करते हुए मनाया गया, जिसके चलते हर वर्ष की तुलना इस बार गुरु पूर्णिमा की रंगत कुछ फीकी रही। देवालय व संतों के आश्रम में भी अपेक्षाकृत भीड़ बहुत कम रही। कुछ गुरु भक्त दर्शन पूजा पाठ गुरु वंदन व भोजन प्रसाद की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखाई दिए। रावल पंत गोरक्ष आश्रम के शंभुनाथ जी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। कोरोना सेंटर से स्वस्थ होने पर 9 मरीजों को दी विदाई। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज शहर के पेचकावास वाली धर्मशाला में कोरोना सेंटर से रविवार की दोपहर को 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार होने के बाद रिकवर होने पर विदाई देकर घर रवाना किया गया, जिस पर विधायक संयम लोढ़ा, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशल ओहरी इत्यादि ने स्वस्थ होने के बाद उन्हें पुष्प भेंट कर एवं तालियां बजाकर COVID-19 सेंटर से अपने घरों की ओर विदाई दी। कार पर गिरे पत्थर फिर भी बच गई सबकी जान, लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ठीक वैसा ही वायका दादा के पास आई त्रिशूलिया घाटी पर देखा गया। अंबाजी से पत्थर भरकर पालनपुर की ओर जाने वाले बड़े ट्रक की ब्रेक फेल होने से ट्रक सड़क पर पलटी, उसमें मार्बल के पत्थर भरे हुए थे। इस दौरान ट्रक की ब्रेक फेल होने से अंबाजी की ओर से आ रही मारुति स्विफ्ट कार पर बड़ी तेजी से हादसे के कारण ट्रक पूरी तरह सड़क पर पलट गया। सारे पत्थर सड़क पर बिखरे पड़े और सामने से आ रही कार पर पत्थर जा गिरे। कार में बैठे लोगों को छोटी मोटी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी कार में बैठने वाले 6 लोग सुरक्षित हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शिवगंज नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं क्षेत्र विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर मोहम्मद आरिफ छिपा, महेंद्र राठौर, विनीता वाघेला एवं राजेंद्र मालिक को शिवगंज नगर पालिका का सदस्य मनोनीत करने पर शहरवासियों द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माउंट अहमदाबाद हाईवे बारिश से हुआ पानी पानी, लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात से सब जगह बारिश ने दस्तक दे दी है। उसी के साथ गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मानसून पहुंच गया है। गुजरात के राजस्थान सीमा पर बसे अंबाजी शहर में देर शाम भारी बारिश हुई, जिससे अहमदाबाद माउंट आबू फोर लेन सड़क पर पानी घुटने तक भर गया, जिसके कारण लोगों को पानी में से चलने में भारी दिक्कत हुई एवं कई दो पहिया वाहन पानी में बंद हो गए। वहीं सड़कों पर पानी ही पानी हो जाने से वे नदी की तरह दिखने लगे। शिवगंज में लंबे अंतराल के बाद खुली दुकानें, किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज लंबे अंतराल के बाद सोमवार को प्रशासन के आदेश के बाद शहर के मुख्य बाजार तो खुले, लेकिन बाजार में मात्र आवश्यक कार्य से ही आने जाने वाले लोग नजर आए। काफी समय से बंद होने के कारण व्यापारी प्रतिष्ठानों के मालिकों ने पूजा अर्चना कर अपने प्रतिष्ठान खोले। वहीं उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, थाना प्रभारी बुधाराम चौधरी ने दिन भर मुख्य बाजार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जनता को कोरोना की गाइडलाइन से करवाते रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने सभी व्यापारियों को अपनी जांच करवाने के निर्देश दिए, अन्यथा वे अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल सकते। पूर्व जिलाध्यक्ष पर FIR को बताया षड्यंत्र, भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी पर कोविड सेंटर जाकर संक्रमण फैलाने के आरोप के साथ उन पर दायर की FIR के तथ्यों को गलत बताते हुए भाजपा नगर मंडल सिरोही के अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावनावश यह कार्रवाई की गई है, जिसका भाजपा कड़ा विरोध करेगी। रविवार को भाजपा नगर मंडल के प्रमुख
कार्यकर्ताओं ने इस मामले को गंभीरता से लेकर विचार विमर्श किया और कहा कि चौधरी ने कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है, जिसके चलते इस प्रकरण को लेकर भाजपा संगठन बैठक द्वारा विचार विमर्श कर कार्यवाही करेगी। चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान की मांग। भारतीय जवान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुकुल शर्मा को ज्ञापन भेजकर कोरोना महामारी के तहत सेवा देने वाले चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान की मांग की। महासंघ के प्रदेश सहमंत्री राव गोपाल सिंह पोसालिया ने बताया कि शासन उप सचिव चिकित्सा ग्रुप के आदेश अनुसार कोरोना योद्धा तथा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तथा नर्सेज को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, जो अभी तक नहीं हुआ है, जिस पर कार्यवाही कर भुगतान शीघ्र करने की मांग की। शिक्षकों की समस्या समाधान बैठक संपन्न। भारतीय जवान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में आयोजित समस्या समाधान बैठक का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। बैठक में अध्यापकों, प्रबोधकों के विभिन्न मामलों सहित वर्ष 2007-08 में भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर करके नेशनल परिलाभ दिलवाने समेत कई मुद्दों पर संघर्ष की कार्य योजना बनाई गई। बैठक में दर्जनों शिक्षक प्रबोधक उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।